लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली कल अपना नामांकन भरेंगे। मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि कल यूनिक गार्डन मुरथल रोड से चलकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। वहीं मनोहर बड़ोली ने आज राई विधानसभा के बचे हुए छोड़ा गांव में भी अपना जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चलाया। जनता का बहुत बड़ा जनसमर्थन मिल रहा है। तो वहीं मोहनलाल बड़ोली ने दावा करते हुए कहा कि सोनीपत लोकसभा सीट पर बड़े मार्जिन के साथ भाजपा जीत दर्ज करेगी। तो वहीं नामांकन के दौरान हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई बड़े नेता नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने 2019 में भी दावा किया था, उनका जवाब भी दिया था। वहीं मोहनलाल बड़ोली ने ये भी कहा कि सभी सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस की गुटबाजी पर जमकर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चाल चरित्र बांटो और राज करो की नीति है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है। वहीं मोहनलाल बड़ोली ने ये भी कहा कि 2024 में लोग कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं। गांव के प्रोग्राम है और कल मेरा नामांकन पत्र दाखिल मैं करूंगा। सुबह 10 बजे यूनिक गार्डन मुरथल रोड से चलते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। और आज मैं राई विधानसभा के 14 गांव जो मेरे बचे हुए थे उनका प्रवास करते हुए लोगों से मिलते हुए आशीर्वाद लेते हुए बहुत बड़ा जनसमर्थन प्यार आपकी नजरों के सामने जनता ने आके मुझे दिया है। और जखोली गांव बड़ा गांव है, मेरी विधानसभा के जो बड़े गाँव है उसमें जखोली आता है और जखोली गांव ने एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा से हो। कितने गांव कवर कर चुके हैं अब तक? 500 से ज्यादा गांव मेरे हो चुके हैं और 200 गांव बचे हैं। मैं बहुत जल्दी उनको भी पूरा करते हुए और प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक गांव में मैं पूरी हाजिरी अपने लगाते हुए बहुत सारे बड़े गांव तो दोबारा भी करने का काम। नामांकन कब कर रहे हो? 3 तारीख को, कल मैं 3 मई को नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। सुबह 10 बजे यूनिक गार्डन मुरथल रोड से शुरू होके पहले जनसभा होगी, उसके बाद जलूस के रूप में हम डीसी ऑफिस तक जाए। कौन बड़े नेता कल आ रहे? कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मंत्री रहे, ऐसे अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी के आके आशीर्वाद देने का काम करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।